न्यूज वन इंडिया आज बात होगी एक ऐसे मंत्री की जो कई बार सुर्खियों में रहे, अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मंत्री का आज रिपोर्ट कार्ड तैयार कर। हम बात कर रहे हैं हरक सिंह रावत की नहीं, हम बात कर रहे हैं धन सिंह रावत की। धन सिंह रावत उत्तराखंड की सियासत में जब जब मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का जिक्र हुआ तो धन सिंह रावत का नाम उछला या फिर उछाला गया। धन सिंह रावत दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक संगठन के भीतर एक अच्छी पैठ, लेकिन धन सिंह रावत के ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी क्या उन्होंने वो काम किए? वैसे अपने बयानों को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में रहे, मगर धन सिंह रावत अपने विभाग में कितना काम कर पाए? एक महत्वपूर्ण जिम्मा उनके कंधों पर सौंपा गया, स्वास्थ्य विभाग का। 4 साल के बाद उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री मिला, पूर्णतः स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन माननीय धन सिंह रावत जी कितना काम कर पाए अपने विभाग, आज ये सवाल बनाओ। संशय और सवालों के भीतर आज इस बात को लेकर भी आकलन होगा कि जो वो एक योजना शुरू कर रहे थे कि घर घर घास पहुंचाएंगे, दुकान पर घास मिलेगी, जैसे गैस के सिलेंडर मिलते हैं, राशन की दुकान पर राशन मिलता है, वैसे मंत्री जी ने कहा था कि हम घास देंगे महिलाओं के लिए, ये योजना शुरू, जिसको लेकर काफी ट्रोल भी हुआ, मजाक भी बना, लेकिन वो धरातल पर योजना उतारने का दावा खुद अमित शाह ने भी किया। एक उनका और वीडियो वायरल हुआ वो बारिश वाला, कि जब चाहेंगे वो बारिश ऐप, जहां चाहेंगे बारिश हो जाए। विवादों में रहने वाले, अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले धन सिंह रावत कितना कार्य कर पाए? कुछ बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, जहां समझेंगे कि आखिरकार माननीय मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड कहता क्या है, कितना किया काम, कितना किया विकास। आपको याद होगा कि कुछ रोज पहले, 2 दिन पहले हमने सतपाल महाराज का ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड दिया था, जिसमें हमने सी प्लेन का भी जिक्र किया था जो टिहरी में चलने वाला था वो चला, रोप वे का भी जिक्र किया था रोप वे भी, 13 डेस्टिनेशन का भी जिक्र किया था जो बनाना चाह रहे थे, पर्यटन विभाग में शून्य। महाराज जी का कार्यकाल जिसका आकलन हुआ तो शून्य दिखाई दिया। अब धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग में क्या किया? आपदा जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी उनके पास था, उसका भी आकलन करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की नाकारों निठल्लों मक्कारों की, 3 भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार की घसियारी योजना कहां गई? घसियारी योजना की लॉन्चिंग में गृह मंत्री अमित शाह इवेंट मैनेजर की तरह चले आए थे उत्तराखंड में, यहां पे माहौल खराब करने का भाषण भी दे रहे थे। और किस प्रकार से लॉन्च किया गया था घसियारी योजना? महिलाओं का अपमान करने के लिए लाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये योजना उस राज्य में, हमारी देवभूमि में, जो राज्य मातृशक्ति के बलिदानों के कारण हमें मिला है। ये तो बताइए, वैसे उस घसियारी योजना का हुआ क्या? आपने कहा था कि महिलाओं को एक तरफ तो आप देने वाले थे औजार ताकि वो घास काट सके, और दूसरी तरफ विरोधाभास देके आप खोलने वाले थे दुकानें जहां से बेची जानी थी घास। अब अगर घास बेची जानी थी तो घास तो खरीदी जानी थी, तो महिलाएं घास काटने क्यों जाती? पहली बात। दूसरी बात, कंट्रोल की दुकानों से जो घास बेची जानी थी वो तो पता ही नहीं चला कि कब बिकी, कहां बिकी, किसने देखी, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मगर ये बताइए, आपने कहा था सस्ती दरों में घास बेची जाएगी, जो मुफ्त में मिलती है उससे सस्ता दर क्या होता है? आपकी डिक्शनरी में होता है 1 रुपया।
यानी कि एक रुपया जीरो से भी कम आप मानते हैं, तो आपके तो मैथमेटिक्स का क्या कहना, ऐसी गणित से तो भाई भाजपाइयों माफ करिए। और धामी सरकार तो वैसे भी चोरों को चोरी करने देती है, ठेकेदारों को ठेकेदारी करने देती है, तो ऐसी नाकारा सरकार है, बताओ कहाँ है हमारी वो घास योजना और कौन सी कंट्रोल की दुकानों से बेची जा रही है घास। गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक योजना का शुभारंभ किया, घसियारी योजना, जिस राज्य की पहचान बछेंद्री पाल, तीलू रौतेली, गौरा देवी जैसी महिलाओं से होती है, वहां भाजपा सरकार एक ऐसी योजना लेकर के आती है, घसियारी योजना, यहां की महिलाओं को घसियारी बनाने का काम करती है। और उस योजना का शुभारंभ जितने जोरों शोरों से किया गया गृह मंत्री जी द्वारा, आज वो योजना उत्तराखंड में धरातल पर कहां है, कितनी यहाँ की महिलाओं को घास आपने पैकेटों में पैक करके दे दी, कितने गांव तक ये योजना आपकी पहुंच गई। तो भाजपा की योजनाएं कहने और करने में बहुत फर्क है, सिर्फ ये योजनाएं कहने तक सीमित रह जाती हैं और धरातल पर इनकी योजनाएं पूरी नहीं होती हैं। भाजपा सरकार केवल घोषणाएं 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 करना जानती है और शिलान्यास, बाकी धरातल पर विकास करना, धरातल पर कामों को पहुंचाना भाजपा सरकार की नियति नहीं है। अब हमारी सरकार जो है, जो भी गांव में महिलाएं हमारी घास काटती हैं, उनको जो है पैक घास देगी, जैसा कि गैस सिलेंडर देते हैं, जैसे राशन देते हैं, सस्ते गले की दुकान में राशन मिलती ना, वैसे अब एक एक घास की दुकानें भी गांव में खोली जाए। तो सीधे तौर पर सियासत के नजरिए से धन सिंह रावत के कार्यकाल का आकलन इसमें भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर दिल्ली में चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा, तो धन सिंह रावत का नाम भी। वैसे उत्तराखंड में दावेदारों की कमी नहीं है जो सीएम बनना चाहते, वो कतार बहुत लंबी है, लेकिन धन सिंह रावत संगठन के भीतर, संघ के भीतर एक बड़े चेहरे के रूप में रहे। ऐसे में आज उनके कार्यकाल का आकलन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जरूरी हो जाता है, आपदा प्रबंधन का मंत्रालय भी इनके पास रहा, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है, और खास तौर पर धरातल पर घसियारी योजना या उतरपाई, इसका आकलन भी बहुत जरूरी। सीधा रुख कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ, आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ सुजाता पॉल जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का चेहरा है, साथ ही साथ सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी का चेहरा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, ये बहुत अच्छी बात है। आज मातृशक्ति कम से कम आप लोग 40% का जिक्र करते हैं, मैं 100% का जिक्र करूंगा यहाँ, आप लोग 100% मातृशक्ति उत्तराखंड की, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सीमा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि सत्ता में आप हैं और जवाब सत्ता के पास होता है, मेरा मानना है। सीमा जी, धन सिंह रावत के कार्यकाल का आकलन आप किस तरह से करती और उनकी उपलब्धियां क्या है? देखिए, जब से सरकार बनी है तब से धन सिंह रावत को हमेशा एक अच्छा पद मिला है और उन्होंने उसका अच्छे से निर्वाह करा है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी आई होगी। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कमी, तो देखिए जब इंसान काम करता है तो कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, तो वो आगे भी पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनके कार्यकाल में कोई जनता जो है वो खुश नहीं रही होगी। अच्छा, उनके कार्यकाल में जनता ही खुश रही होगी या नहीं, खैर वो तो श्रीनगर की जनता ही बता देगी आपको कि वो खुश रहे या नहीं रहे, क्योंकि विधायक जी अपने क्षेत्र में काम कर पाए या नहीं कर पाए तो उसका सबसे बेहतरीन आकलन तो वही हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, मैं सुजाता जी के पास जाऊं, मैं देख रहा था कि उन्होंने तमाम दावे और वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि क्योंकि 4 साल के बाद राज्य को पूर्णतः स्वास्थ्य मंत्री मिला, इतना महत्वपूर्ण विभाग लेकिन स्वास्थ्य मंत्री नहीं पाया, खैर कोई बात नहीं, 600 हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे मंत्री जी ने कहा था, हेल्थ कैंप लगाए मंत्री जी ने? जी लगाए तो थे उन्होंने, अब एक्यूरेट 600 नहीं लगे होंगे लेकिन लगाए तो होंगे मेरी जानकारी में है नहीं मैडम, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था, वो मुझे हेल्थ कैंप कहीं दिखाई नहीं। उत्तराखंड में हेल्थ सिस्टम में सुधार होगा इसका जिक्र उन्होंने किया था, लेकिन दिल पर हाथ रख के, क्योंकि आप एक महिला हैं, मैं इसलिए आपसे ये सवाल, दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बोलूं,
कि आज भी पहाड़ों पर प्रसाव के दौरान, प्रसाव पीड़ा के दौरान क्या महिलाओं की मौत नहीं होती? जी, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति जो है वो डिफिकल्ट तो देखिए है, और निरंतर प्रयास चल रहे हैं कि हर जिले में जो है वो सरकारी हॉस्पिटल्स हों, और कोशिश भी करी गई कि वहां पर किस तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, लेकिन ऑब्वियस की बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं हो पाई हैं। लेकिन हमारा ये हॉस्पिटल स्थापित किए, सरकारी हॉस्पिटल का तो वहां पे था कि बना देंगे वो सरकारी हॉस्पिटल, और सुविधाएं तो वो प्रोवाइड करा ही रहे थे। स्टाफ नर्सिंग की भर्ती का जिक्र उन्होंने किया था, जो नर्सिस स्टाफ का जिक्र, क्या वो भर्ती कर पाए? 2900 पदों पर नर्सों की भर्ती का जिक्र किया गया था, क्या वो 2900 पद भर पाए? हाँ, अभी आ रहा था कि उनका जिक्र किया गया था कि अभी हम भर्ती कर देंगे, लेकिन अभी हो नहीं पाया, आचार संहिता तक नहीं हो पाया वो काम। समूह गांव में एलोपैथी में भर्तियों का जिक्र किया गया था, 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती का दावा था, कर पाए? हाँ, समूह गांव के भी कुछ एग्जाम्स हुए, लेकिन अभी ज्वाइनिंग किसी की भी नहीं हुई। आपदा प्रबंधन मंत्री रहते हुए उन्होंने बारिश ऐप का जिक्र किया था, वो लॉन्च हो पाई? पर आपदा प्रबंधन में, आपदा में उन्होंने बहुत काम कराया, ऐसी बात नहीं है उत्तराखंड के लिए। आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरी आपदा प्रबंधन की बैठक कब हुई थी? एक्यूरेट डेट नहीं बता सकती मैं आपको। आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक हुई थी मैडम हाल फिलहाल में? फिलहाल अभी नहीं हुई। नहीं, इतना महत्वपूर्ण विभाग, रिसेंट नहीं हुई। हाँ, आपदा के बारिश ऐप लॉन्च हो पाया? बारिश ऐप, क्या वो लॉन्च हो पाया मैडम? वो लॉन्च होना था बारिश ऐप, जिससे जब चाहे तब बारिश करवा सकते हैं हम। कभी विचार विमर्श चल रहा था अभी। अच्छा, वो भी नहीं हो पाया। चलिए, अगली बार कोशिश करिएगा, आएंगे तो धन सिंह रावत जी को बोलेगा बारिश ऐप लेकर आए। खैर, सुजाता पॉल जी, जी लगता है वक्त कम मिल गया धन सिंह रावत जी को, इसलिए वो कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे अगली बार पक्का करके दिखाएंगे। आप कैसे करेंगे आकलन बतौर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी का? देखिए, अगर मैं इनके स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करूं तो बहुत ही दुखद विषय है कि इन्होंने जो जो बातें कही हैं उनमें से कुछ भी नहीं किया है। जिन पदों की भर्ती के बारे में आप बात कर रहे हैं, 1500 पद जो एलोपैथी वाले हैं, उनको तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि जो डेंटिस्ट से इन्होंने कार्य करवाया और जो 100% फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज का टारगेट अचीव करवाया गया, वो डेंटल सर्जन्स को इन्होंने नियम कायदों के विरुद्ध निकाल दिया। आप कहेंगे कैसे? उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब कोरोना खत्म होगा तब उन्हें हटाया जाएगा, या फिर 28 फरवरी 2022 में उनको हटाया जाएगा। मगर वे आंदोलन करते रहे इस सरकार के खिलाफ, मगर सरकार ने उनकी सुनी नहीं। आज भी अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो आपको तमाम पोस्ट डेंटल एसोसिएशन की तरफ से आएंगे, क्योंकि उन्हें निकाल दिया गया। आप देखिए झूठ इनके। इन्होंने क्या कहा था? हमने इतने हॉस्पिटल बना दिए कोरोना के समय में, इतना सब कुछ बढ़िया कर दिया। तो भाई, हॉस्पिटल में काम करने के लिए कोई रोबो तो आएगा नहीं, या उसमें कोई भूत तो जाएगा नहीं, उसमें तो भाई इंसान ही जाएगा ना, और ट्रेन्ड इंसान। तो जो नर्सिंग की एग्जाम्स हैं वो 3 बार पोस्टपोन कर दिए गए, तो वहां पे अगर नर्सेज नहीं होंगे तो क्या अकेले डॉक्टर उसे चला रहे होंगे? कौन से डॉक्टर्स को उन्होंने अपॉइंटमेंट दी? ये सारे विषय जो है जनता के सामने है, इसीलिए आज इनका विरोध है। फार्मासिस्ट की बात करूं तो 21,000 फार्मासिस्ट इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इनकी पार्टी के भी कुछ सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्यों? क्योंकि 536 पद है टोटल 1904 में से ऐसे, जिनको इन्होंने डेड कर दिया है, जो इंडिया की हेल्थ पॉलिसी है उसके आड़ में। और आज वो पद अगर डेड होते हैं तो फार्मासिस्ट की अपॉइंटमेंट अगली 2030 में होनी है। तो इस वजह से फार्मासिस्ट ने आंदोलन बहुत लंबा किया, जहां पे एक महिला अपनी 2 साल की बच्ची
के साथ भूख हड़ताल पर बैठी थी, मगर सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही थी। और 13 दिनों के बाद सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पर गया, उनसे वार्ता करी। अब अगर आप डेंटिस्ट की बात करें तो डेंटिस्ट को इन्होंने निकाला, इन्होंने डॉक्टर्स को नहीं अपॉइंट किया, इन्होंने नर्सेस के एग्जाम ही नहीं करवाया। फार्मासिस्ट के साथ मैं आपको बताई चुकी हूं इन्होंने क्या किया, पदों पर नर्सों की भर्ती कर देंगे जल्दी, नहीं हुई। वही बता रही हूँ मैं आपको, 1900 पद तो छोड़ दीजिए, एक भी पद नहीं हुआ, क्योंकि जो ये कहते हैं वो करते नहीं। एग्जाम नहीं कराओगे तो आप भर्ती कहां से करोगे, इसलिए ये झूठ की सरकार है। अब आप आपदा प्रबंधन के बारे में जो बात कर रहे हैं, अक्टूबर 2021 में आपने देखा कि किस प्रकार से जब कुमाऊं क्षेत्र में आपदा आई तो दौड़े दौड़े मुख्यमंत्री धामी को, जो दिल्ली में थे उस वक्त, भागे भागे आना पड़ा उनको। शायद दिल्ली से अमित शाह जी और मोदी जी ने भेजा होगा कि भाई जाओ और देखो कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो ऐप वाले मुख्यमंत्री जी है वो बारिश को ना आगे कर पाए, ना पीछे, ना कम, ना ज्यादा। आपको याद होगा कि कई बारी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आपदा आई है और मंत्री जी नदारद है, तो ना तो ये रोक पाए उस चीज को अपने ऐप के माध्यम से, और ना ना जी सीमा जी सुजाता जी कह रही कि कुछ नहीं कर पाए, ना आपदा विभाग में कुछ कर पाए, ना स्वास्थ्य विभाग में कुछ पाए, कह रहे एक कोई भर्ती नहीं करवा पाए। अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया था ना शायद उन्होंने कुछ, आपदा की तो आप बात ये ना ही कहें तो अच्छा, क्योंकि आपदा में तुरंत उसी टाइम केंद्र से भी और हमारी सरकार से भी तुरंत एक्शन ले लिया गया था और पूर्णतः कंट्रोल में आ गई थी आपदा। तो उसमें जो काम अच्छे होते हैं उसमें नहीं बोलना चाहिए हर समय, जो जो चीज नहीं हो पाई उसको मैंने कहा कि कोरोना काल के कारण बहुत सारी चीजें छूट गई हैं जो आगे हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपदा तुरंत कंट्रोल हो गई थी और जितना भी डैमेज हुआ था वो सब हमने केंद्र से भी ये बात आ गई थी कि समितियां बन गई हैं, गठन हो चुका है समितियों का, और जो जो भी जिस जिस चीज की जरूरत होगी समय समय पर वो मुहैया करा दी जाएगी, जो भी डैमेज कंट्रोल हुआ है। तो आपदा तो कंट्रोल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यस ऑफकोर्स कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे लेकिन आप ये कहेंगे कोरोना काल में आंगनवाड़ियों ने कितनी मदद करी थी, तो उनका भी सैलरी हम लोगों ने बढ़ाई, उनको आशा वर्कियों को भी काम, उनकी भी मांग पूरी करी। नहीं नहीं नहीं, चीजें छूट गई, बहुत बड़े बड़े बड़े। देखिए अगली बार मुझे उम्मीद है कि वो मंत्री बनेंगे तो हो सकता है कि वो बारिश ऐप आ जाएगी धरातल पर, लेकिन इसके साथ साथ वो जो घास पहुंचाने का जिक्र वो कर रहे थे कि घर घर घास पहुंचाएंगे महिलाओं की, उस योजना का क्या हुआ जिस पर महिलाएं काफी हंस रही थी? मैं चाहूं तो आप दिखा सकता हूं वो वीडियो, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा वो वीडियो, आप चाहे मैं दिखाऊं आपको। मुझे पता है वो अमित शाह जी ने उसको लॉन्च किया था घसियारी योजना, वो बड़ी खूबसूरत योजना थी, त्रिवेंद्र जी के समय में उन्होंने इस बात का कहा था, लेकिन वो जब लॉन्च किया था क्या हुआ उसका जी? 30 अक्टूबर शायद वो डेट थी, मुझे डेट भी कुछ कुछ याद आ रही है, 30 अक्टूबर। लेकिन वो तो बहुत अच्छी योजना है, उसमें महिला हमारे यहाँ योजना बहुत अच्छी है, वो मिल किसको रहे, लाभ किसको मिल रहा है मैडम? योजनाएं तो मेक इन इंडिया भी बहुत अच्छा था और बहुत सारी योजनाएं बहुत कुछ अच्छी थी, लेकिन लाभ किसको मिल रहा है सवाल ये है। पहाड़ की महिलाओं को मिल रहा है लाभ? मिल रहा है मैडम, मैंने अपने सहयोगी मित्र से कहा सुभाष से कि जरा पता करो ये घास मिल कहां रही है, उन्होंने मंत्री जी के शायद किसी सहयोगी को फोन किया, बोला कि एक बार बता दो कि घास कहां मिल रही है, उन्होंने कहा कि फोन रखो बाद में बता। मैं चाह रहा था कि जरा पूछ तो लूं कि घास मिल कहां रही है महिलाओं को। सीमा मैडम जी, ये सेंटर्स कहां है? ये सेंटर प्रदेश के सभी ग्रामीण करीब 7,781 सेंटर्स हैं। मैंने कोशिश की ढूंढने की, अगर आप मेरी मदद कर सकती हैं तो मोस्ट वेलकम, ताकि हम लोग एक अभियान के तहत कम से कम महिलाओं की मदद कर पाए। नहीं नहीं बिल्कुल, महिलाओं की मदद करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और आज एक बार मातृशक्ति को मैंने इस कार्यक्रम में जोड़ा है, संगीता जी भी मेरे साथ जुड़ गई है आम आदमी पार्टी से। आप वो कह रहे हैं कि घास तो मिल रही है, आप लोग बेवजह बवाल मचा रहे हैं मंत्री जी को लेकर। सुजाता जी आपको जी देखिए मैं तो तब से सेंटर ढूंढ रही हूँ कि कोई एक कंट्रोल दुकान मिल जाए जहाँ पे घास बिक रही है, और गांव गांव में जहाँ जहाँ तक फोन की कनेक्टिविटी है वहां वहां फोन करके पता लगाने की कोशिश करिए कि कौन से कंट्रोल की दुकान से बिक रही है घास। अब आप मुझे बताइए तिलक जी, उस कार्यक्रम को करने के लिए, लॉन्च करने के लिए कितना पैसा इन्होंने लगाया? वो जो बैग थे जिनके अंदर औजार भर के इन्होंने महिलाओं को दिए, वो उन पर कितना पैसा बर्बाद किया? अब देखिए विरोधाभास, ये कहते हैं 1500 रुपए की, वही
बिल्कुल। और 1500 रुपए की किश्ती। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आप घास बेच रहे हैं एक तरफ दुकान से, तो आप महिलाओं को वो टूल्स क्यों दे रहे हैं भाई? वो औजार आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जाके घास काटो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम तो दुकानों से बेचेंगे, और तीसरी बात ये कि सस्ती में बेचेंगे। अरे भाई, जो चीज मुफ्त में होती है वो सस्ती उससे क्या होगी? 1 रुपए प्रति किलो की घास सस्ती कैसे हो गई भाई? अगर आपने सस्ती करनी थी जीरो से, तो आप उसको कर देंगे भाई, आपको हम घास के साथ साथ 2 रुपए या 5 रुपए दे देंगे, तब तो माना कि सस्ती हुई। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप महिलाओं को बचाने के लिए इस कार्यक्रम को लाए हैं, ताकि उन्हें घास काटने ना जाना पड़े, फिर आप औजार क्यों दे रहे हैं? मेरी तो समझ में ये नहीं आया। तो यानी कि ये पूरा पैसा जो है ये हो गया है बर्बाद, और सरकार ने ये बता दिया मातृशक्ति को कि तुम्हारी जगह ये है कि पैर की जूती हो, तुम्हारा काम है घास काटना। अगर इन्होंने महिलाओं को सशक्त करना था तो उनको कहना था कि आओ हम तुम्हारे लिए और कार्यक्रम बनाते हैं, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं स्वरोजगार के लिए, करो शुरू जो काम करना चाहते हो, हम आपके साथ हैं। ये नहीं कहा, उनके नाम के आगे घसियारी जो है वो लगा दिया। काम कोई खराब नहीं होता, लेकिन मजबूरी में लोग घास काटने का काम करते हैं। अगर आप अच्छी व्यवस्था उनको देंगे तो उनका उत्थान होगा। आप उनको कहते हैं जी हम आपको टिकट देंगे, आप चुनाव लड़ लोगे, ये सब नहीं कहा। टिकट तो छोड़िए ना, टिकट तो आप भी मांग रही होंगी, टिकट तो सीमा जी भी मांग रही होंगी, मिलता है क्या टिकट? आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ता को कहाँ टिकट मिलता है? नहीं मिलता ना। वो तो आप छोड़िए, वो आप लोगों के घर की बात है, मैं उससे नहीं जा रहा। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संगीता मैडम, मैं आज माननीय मंत्री जी, क्योंकि हमारे प्रदेश में कई मंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हरक सिंह रावत जी है, सतपाल महाराज जी ही है, कई ऐसे मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और अच्छी बात है, हर किसी को उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन संगीता मैडम, मैं देख रहा था कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल, मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड आप कैसे देखेंगी धन सिंह रावत जी? आपका आकलन क्या है? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तो उत्तराखंड की बहुत ज्यादा बेहाल है, ये सारी जनता यहाँ की जानती है, चाहे वो हमने कोरोना काल में देखा हो या हम नॉर्मली देख रहे हो 21 वर्षों में कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। तो रिपोर्ट कार्ड तो उनका जीरो है, रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए, और अगर डबल जीरो भी लगा दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अस्पतालों में, चंपावत विधानसभा की बात करूं तो कोरोना काल में वेंटिलेटर्स आए थे और वो गोदामों में रखे हुए हैं, धूल फांक रहे हैं एक सोपीस की तरह, क्योंकि उनको चलाने वाला कोई नहीं है तिलक भाई। तो आप ये सोचिए, 1.5 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर केवल चंपावत जिले में आए थे, और यहाँ 3 अस्पताल चंपावत जिले में, टनकपुर में जिला अस्पताल चंपावत में और लोहाघाट में, पूरा जिले के अंतर्गत आता है, और वो केवल एक शोपीस बने हुए हैं, और एक वैकल्पिक व्यवस्था केवल चंपावत के जिला अस्पताल में है, वेंटिलेटर चलाने की वैकल्पिक व्यवस्था। तो सोचिए कि आपने 1.5 करोड़ रुपए लगा दिए और वो चल नहीं रही है मशीनें, तो ऐसी मशीनों को लगा करके क्या फायदा है? और यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एक्सरे नहीं हो रहे हैं, तो आप देखिए कि सरकारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है अस्पतालों में। तो अगर रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो डबल जीरो ही होगा इनके रिपोर्ट कार्ड में। जीरो की वैल्यू तो जीरो ही है मैडम, चाहे डबल जीरो दीजिए या फिर 3 जीरो दीजिए। खैर, मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मुझे अब ये बताइए कि वो आप पहाड़ से ही है मैडम, संगीता मैडम जी? पहाड़ से, मैं चंपावत से ही हूँ। चंपावत से? अच्छा, मैंने अभी एक विषय उठाया, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हर घर में महिलाओं के लिए घास वाली योजना, आपको याद होगी, हंसिएगा नहीं जी, क्योंकि वो पब्लिक उस समय हंस रही थी जब मंत्री जी ने ऐलान किया था कि हम जो है, जैसे लोगों को जो है गैस का सिलेंडर मिलता है, राशन मिलता है, वैसे ही हम जो है दुकानों पर घास भी देंगे। क्या घास वाली सुविधा उपलब्ध है आप लोगों के यहाँ? देखिए, घास वाली सुविधा पहाड़ों में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये धरातल पे काम करना और कहने में बहुत फर्क है। योजना में जितना पैसा लगाया गया, और एक तरफ जहां महिलाएं आज फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, और हम उत्तराखंड की महिलाएं, जो उत्तराखंड जो राज्य महिलाओं के लिए जाना जाता है, हमने बछेंद्री पाल, तीलू रौतेली, गौरा देवी जैसी महान महिलाएं उत्तराखंड की हैं, और हम उनके आगे घसियारी लगा रहे हैं। तो ये तो भाजपा क्या चाहती है महिलाओं के लिए, उनका चेहरा एक दिखाई दे रहा है। भाजपा महिलाओं के लिए काम कुछ नहीं करना चाहती, बस योजनाएं। स्वास्थ्य सेवाओं में वाकई कुछ नहीं हुआ जी तिलक भाई? आपके क्षेत्र में वाकई स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ नहीं हुआ? हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही बदहाल हैं, आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं मरीज,
स्वास्थ्य के नाम पर कुछ भी नहीं है यहाँ सेवाएं। जिला अस्पताल मैं बात करूं चंपावत और पिथौरागढ़ दोनों बुरे हाल है। पिथौरागढ़ में भी यही फाइनल कमेंट आपका। सीमा जी मैंने कोई राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं बनाया इसे। मैं चाह रहा था कि मंत्री जी के रिपोर्ट कार्ड को लेकर आकलन कर लिया जाए। हो सकता है कि विपक्ष के भाषा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था कि धरातल पर जो काम हुए हैं कम से कम पता ही चल जाए मंत्री जी ने कौन से काम किए हैं। ना तो नियुक्ति का हाल दिखाई दिया, ना नियुक्ति आप कर पाए। नर्सिंग स्टाफ का देख लिया जो सुजाता जी बोल रही थी, ना आप बारिश ऐप ला पाए, ना आपने वो जो योजना शुरू की थी घर घर घास पहुंचाने की वो घास नहीं लेकर आए। ये मैडम फिर आकलन तो आप खुद ही कर लीजिए। कितना नंबर देंगे आप फिर भी धन सिंह रावत? देखिए नंबर तो जनता देती है, जनता हमें नंबर देने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन ये बात है कि घसियारी योजना लाने के पीछे बहुत अच्छा मकसद था। इसमें ये लोग नेगेटिव ना सोचें कि महिलाओं के आगे घसियारी लगा दिया। गांव में हमारे यहाँ पर आज भी 70% जो जनसंख्या है वो जो पशुपालन और खेती पे निर्भर है, और महिलाएं जो पहाड़ की हैं जी। अगर इन्होंने घसियारी इनको बुलाया है तो इनके लिए मतलब इनको क्या ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लोग कृषि में इन्वॉल्व है इसकी वजह से हमने घसियारी बुलाया। तो भैया आप कृषि को बेहतर कर देते ना, आपने कृषि को बेहतर करने के लिए तो कुछ किया नहीं। जो हमारे अवार्ड मिला है कृषि में उत्तराखंड को अवार्ड मिला। अरे अपने आप कोई भी किसी को अवार्ड दे सकता है? अपने आप कोई अवार्ड नहीं देता, हर चीज अपने आप कोई अवार्ड दे दीजिए। बिल्कुल बोलेंगे, आप नहीं बताएंगे कि क्या बोलना है। जब आपने कार्य नहीं किया है तो आपको पता ही लगेगा, आपको सुननी पड़ेगी। अरे आपको तो निकाल के फेंकेंगे, आप जनता आपको फेंकने वाली है, सुनना तो पड़ेगा। जनता जनार्दन है, उठाकर फेंका जाएगा, क्योंकि हम जनता की आवाज है। आप अहंकारी सरकार में बैठे हैं, आप तो इस लायक नहीं है कि आप सरकार में बैठाए जाते। जनता को भ्रमित करके जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आप इस सरकार में आए। आपको अधिकार ही नहीं है कि आप जी घर जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग जी तिलक जी आप लोगों को सड़कों पे भी लड़ रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हैं सड़क पे, तो आप लोग लड़ रहे हैं। अरे भैया भैया घटा बोलते हैं हरक सिंह रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गदा दिलाया आपके मंत्री को और रेखा आर्या के साथ काम करने से मना कर दिया आईएएस ऑफिसर ने। आपकी तो ये हालत है। ओके ओके सुजाता मैडम, आप चलते चलते साथ से सीमा, साथ से सुजाता, साथ से संगीता और साथ से स्वास्थ्य विभाग। आप लोगों ने किया स्वास्थ्य विभाग का आकलन और मंत्री जी उसमें हुए फेल साबित, जैसे कि सतपाल महाराज। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड अब जनता तय करेगी। जनता जी कैसे, जनता कैसे मानती है स्वास्थ्य मंत्री का रिपोर्ट कार्ड? क्या वाकई स्वास्थ्य मंत्री ने किया अपने क्षेत्र में काम? और आपदा विभाग को लेकर क्या धन सिंह रावत कुछ नया कर पाए? बारिश ऐप को लेकर मजाक जरूर बनाया गया, लेकिन धरातल पर क्या कुछ हो पाया इसका आकलन आप खुद करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार होगी एक नए मंत्री की रिपोर्ट कार्ड तैयार जिसका हिस्सा होंगे आप। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।